Hey guys, welcome back to my channel, First Time Mom. So last के दो वीडियो में हमने बात की बेबी के गैस ट्रबल के बारे में, उससे कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है एंड बेबी के लिए हींग पेस्ट कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेबी बर्प के बारे में, बर्प यानी कि डकार के बारे में। बेबी जब से दुनिया में आता है, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर या नर्स गाइड करते हैं कि बेबी को जब भी आप फीड कराओ तो उसे फ्रिक्वेंटली बर्प कराइए। घर पे भी हमें बड़े कहते हैं कि उसको डकार दिलाना ज़रूरी है, तो ये बेबी को बर्प करवाना इतना क्यों ज़रूरी है, कितनी बार करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिए एंड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड सभी नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। बच्चा जब फीड करता है तो फीडिंग के टाइम पे मिल्क के साथ थोड़ी बहुत वो हवा भी निगल लेता है एंड ये जो बेबी के टमी में हवा जाती है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं बर्प करवाना या तो फिर टकार दिलाना। बच्चा ब्रेस्ट फीड करता हो या फिर बॉटल फीड करता हो, दोनों ही चीज़ों में बच्चा थोड़ी बहुत हवा तो निगल ही लेता है एंड ये फिर हवा बच्चे के टमी में जाके उसको बहुत डिस्कम्फर्ट करती है। सिंपल सी बात है, बच्चे का टमी इतना सा होता है, उसके अंदर ऑलरेडी मिल्क है और उसके साथ हवा भी जा रही है, तो जबकि बच्चा थोड़ा ही फीड करेगा और उसके बाद वो हवा भी जा रही है, उससे उसका टमी फुल हो जाएगा और बच्चे को लगेगा कि मेरा टमी फुल हो गया है एंड फिर वो इनफ फीड नहीं कर पाता है, उसे लगता है कि मेरा टमी फुल है। इसीलिए बच्चे को जितना फीड करना चाहिए उतना नहीं करता है, उसको उसकी वजह से इनफ न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। अगर आप बच्चे को फ्रिक्वेंटली बर्प नहीं करवाते हो तो बच्चा अच्छे से फीड नहीं करता है, उसको जितना ज़रूरी है उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। सेकेंड चीज़ जो है वो कि बच्चे के टमी में ये जो हवा जाती है वो बच्चे के टमी में एंड जो फूड की नली रहती है जिसके थ्रू वो फूड टमी में जाता है, अन्न नली जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर ये जो हवा है वो प्रेशर करती है एंड इसकी वजह से बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर हो सकता है। वो टेम्पररी भी होता है एंड कभी कभी बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम पे वो मतलब परमानेंट असर भी कर सकता है, क्योंकि उसको फ्यूचर में भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे को बर्प करवाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। तो ये थी सेकेंड चीज़ एंड थर्ड चीज़, अगर आप बच्चे को बर्प नहीं करवाते हैं तो वो जो हवा है जो टमी में है वो टमी के थ्रू इंटेस्टाइन में जाती है एंड फिर उधर जाके वो गैस बनाती है, मतलब गैस क्रिएट करती है। एंड आप समझ ही सकते हैं कि छोटे से बच्चे को एक गैस की प्रॉब्लम हो तो वो कितना परेशान होगा। एंड हमने बच्चे के गैस के प्रॉब्लम के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो आप वो भी दे सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो ये तीन चीज़ हो सकती है अगर आप बच्चे को फ्रिक्वेंटली बर्प नहीं करवाते हैं। फर्स्ट तो बच्चे का सबसे पहले बच्चे को क्या होगा कि वो इनफ फूड नहीं ले पाएगा। सेकेंड चीज़, बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर होगा एंड थर्ड, बच्चे को गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तीन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बच्चे को फ्रिक्वेंटली बर्प करवाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए विदाउट फेल बच्चे को बर्प ज़रूर से करवाइए। अब हमने ये तो देख लिया कि बच्चे को बर्प करवाना क्यों ज़रूरी है, तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे को बर्प कब करवाना चाहिए एंड कितनी बार करवाना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि बच्चे को फीडिंग के दौरान एंड फीडिंग के एंड में ऐसे दो बार आपको बर्प करवाना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो जब बच्चा एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट पे शिफ्ट होता है तो ये बीच के टाइम में आप बच्चे को एक बार बर्प करवा लीजिए एंड जब बच्चा कंप्लीट सेशन कंप्लीट करता है, मतलब दोनों ब्रेस्ट से फीड कर लेता है, तब एंड में आप बच्चे को एक बार बर्प करवा लीजिए। सेम वे अगर आपका बच्चा बॉटल फीड कर रहा है तो बॉटल में भी बच्चे का टोटल क्वांटिटी है 100 ml, वो मिल्क पी रहा है एक सेशन में, तो जब बच्चा हाफ क्वांटिटी तक पहुंचता है यानी कि 50 ml तक पहुंचता है तब आप बच्चे को एक बार बर्प करवा लीजिए एंड जब वो 100 ml कंप्लीट कर लेता है तो एंड में आप एक बार बच्चे को बर्प करवा लीजिए। इस पैटर्न से बर्प करवाने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो बच्चा जब फीडिंग के दौरान बर्प कर लेता है तो क्या होता है कि उसकी वजह से उसकी बॉडी में जो एक्सेस एयर गई है वो निकल जाती है और उसके टमी में जगह होती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा फीड कर सकता है, उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना मिल जाता है। इसीलिए
फीडिंग के दौरान बर्प करवाना ज़रूरी है। एंड फीडिंग के एंड में बच्चे को बर्प क्यों करवाते हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे के टमी में से जो एक्सेस एयर है वो एंड में सब निकल जाती है बर्पिंग के थ्रू। इसकी वजह से फिर बच्चा कंफर्टेबली खेल सकता है, सो सकता है, उसको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। इसीलिए इस पैटर्न को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप दिन में जितनी भी बार बच्चे को फीडिंग कराओ, बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड, हर टाइम पे आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, जिससे कि बच्चे को बर्पिंग रिलेटेड यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या गैस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखें। हम कई बार ऐसा भी सुनते हैं पेरेंट्स से कि मेरा बेबी तो बर्फ ही नहीं करता है, बहुत ट्राई करने पर भी वो बर्फ ही नहीं करता है। तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। सबसे पहले तो ऐसा माना जाता है कि ब्रेस्ट फीड बेबी बॉटल फीड बेबी के कंपेयर में कम एयर स्वेलो करता है, उसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा बर्पिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे केस में कुछ कुछ बच्चे बर्प नहीं करते हैं। सेकेंडली क्या हो सकता है कि आप सही तरीके से बच्चे को बर्प नहीं करवा रहे हो। बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं बच्चे को बर्प करवाने के, तो आप सभी डिफरेंट तरीके ट्राई करके देखिए। सभी बच्चे सेम पैटर्न से बर्प नहीं करते हैं, सबकी बॉडी अलग रहती है। तो आप डिफरेंट वे में जाके डिफरेंट तरीके ट्राई करके देखिए। अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक यही है कि डिफरेंट तरीके से बच्चे को बर्प कैसे करवाते हैं, तो वो आप ज़रूर से देखिए। एंड थर्ड क्या वजह हो सकती है कि कुछ कुछ बच्चे के टमी में जो ये एयर जाती है वो इंटेस्टाइन थ्रू गैस बन के बाहर निकल जाती है और बच्चे का बॉडी उसी पैटर्न में वर्क करता है। तो ऐसे केस में बच्चा डकार नहीं लेता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये तीन वजह हो सकती है बच्चा बर्प नहीं करने की। तो ऐसे केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डिफरेंट तरीके ट्राई करके देख लिए हैं और फिर भी बच्चा बर्प नहीं करता है, अच्छे से खेलता है, डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, उसे पेन नहीं होता है, बच्चा रोता नहीं है, अच्छे से खाता है, वेट गेन होता है, तो ऐसे केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को इतना बर्पिंग की ज़रूरत नहीं है, उसका बॉडी यही पैटर्न में वर्क कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि बच्चे को बर्प करवाना क्यों ज़रूरी है, बच्चे को कब बर्प करवाना चाहिए, कितनी बार करवाना चाहिए, एंड अगर बच्चा बर्प नहीं करता है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। एंड अगर हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा एंड जितना हो सके शेयर कीजिएगा दूसरे पेरेंट्स के साथ, उनको भी ये हेल्पफुल होगा। एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो है बेबी बर्प टेक्निक के बारे में कि बेबी को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से कैसे बर्प करवाया जा सकता है, तो वो आप ज़रूर से देखिए। एंड अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो इतना ज़रूर से कर दीजिए। मैं वापस आऊँगी विद न्यू वीडियो, न्यू कॉन्टेंट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।